आज के समय में हम सभी गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गूगल मैप्स ने हमारी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा आसान बना दी है। ऐसे में हमें जहां कहीं भी जाना होता है तो बस उस जगह का पता डालना पड़ता है, बाकी का सारा रास्ता गूगल मैप हमें खुद ही बताता है। लेकिन यहां बात आती है कि आखिर गूगल मैप का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और कैसे गूगल मैप को हर एक जगह की जानकारी होती है। और हमें पता है कि आपके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी तो आया ही होगा। इसी वजह से आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल मैप्स का पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है और कैसे इसे हर एक सड़क, हर एक गली के बारे में पता होता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्स अनप्लग्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले पुराने समय में अगर हमें कहीं जाना होता था तो एक कागज का बड़ा सा मैप होता था और उसी को देखकर हमें आगे बढ़ना होता था। हालात तो ये होते थे कि हमें खुद नहीं पता होता था कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन आज के समय में GPS ट्रैकर की मदद से हम आसानी से अपनी लोकेशन को पता कर सकते हैं, बल्कि हमें किस जगह पर जाना है वो हमसे कितनी दूरी पर है, गाड़ी से अगर हम जाएंगे तो कितना समय लगेगा और अगर हम पैदल जाएंगे तो उसमें कितना समय लगेगा, ये सभी चीजें गूगल मैप आपको अपने फोन में बता देता है। गूगल मैप की कहानी शुरू होती है मिड 2000 में, जब गूगल ने वेयर टू वेयर नाम की कंपनी को एक्वायर किया था और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि लोग बिना बार बार रिफ्रेश किए जहां पर जाना चाहें वहां का पता लगा सके। हालांकि उस समय एक और सर्विस चलती थी जिसका नाम मैप क्वेस्ट था, जिसमें आप डिजिटल तरीके से जहां जाना चाहें वहां का पता देख सकते थे। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था, तब जाकर आपको आगे का रास्ता दिखता था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती थी। अब जाहिर सी बात है कि लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गूगल को कुछ न कुछ तो करना ही था। इसी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया और उनसे पूछा कि वो हर जगह के बारे में उन्हें बताएं, ताकि वो एक मैप बना सकें जो लोगों के हिसाब से चले। पर अब गवर्नमेंट कैसी पूरी इंफॉर्मेशन दे सकती थी, उसे तो वो इतना कुछ पता ही नहीं था। इसी वजह से हर जगह की डिटेल में जाने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया, ताकि एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो सके, कौन सी सड़क कितने लेन की है और इसमें कितना समय लगता है, ये सब एक बेसिक चीज के तौर पर तैयार हो गया। लेकिन अब जरूरत पड़ती है बिल्कुल एक्यूरेट डेटा की और फिर इस्तेमाल होता है स्ट्रीट व्यू। हालांकि ये टेक्निक अब हर देश में तो नहीं है, लेकिन जहां जहां है वहां पर गाड़ियां चलती हैं और इसके आसपास 360 डिग्री में जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं वो उन्हें कैप्चर करती है और उसमें जाने में कितना समय लगता है और कौन सी रोड किस तरफ मुड़ती है, रोड एक साइड की है या दो साइड की है या चार साइड की है, इन सभी चीजों के बारे में इस तकनीक से पता किया जा सकता है। और ये सभी काम गूगल ने अपने टेक्निकल सिस्टम से करवाया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सी सड़क कितनी दूरी तक जाती है और वहाँ पर क्या क्या चीजें किस किस जगह पर मौजूद हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो आप गूगल मैप के यूजर के तौर पर ले रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को पहले स्ट्रीट व्यू टेक्नोलॉजी की मदद से लिया गया था, ताकि वो सभी डाटा सटीक तरीके से कलेक्ट कर सकें। ऐसे में जब 2D मैप को सैटेलाइट इमेज के साथ मिक्स किया जाता है तो आप ये देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो नेचुरल शेप के हिसाब से काफी ज्यादा उठी हुई होती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, इन सभी चीजों के लिए प्लेन और हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपको 3D व्यू मिल सके।
अब बात रही दुकानों और जगहों की, तो बेसिक चीजों को तो गूगल मैप ने कवर कर ही लिया होता। लेकिन जब गूगल मैप की पॉपुलरिटी बढ़ी तो दुकान और स्टोर वालों ने गूगल मैप से संपर्क किया कि उनकी दुकान किस जगह पर है और वो इतने बजे से लेकर इतने बजे तक दुकान खोलते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ये उनका ईमेल एड्रेस है और वगैरह वगैरह। अब जैसे कि बात आती है किसी बड़ी जगह की, यानी आप उदाहरण के तौर पर किसी एयरपोर्ट को ही ले लीजिए, तो अब इस तरह की जगह में काफी ज्यादा स्पेस होता है। इसी जगह से गूगल को ये परमिशन मिली कि वो ढंग से इन जगह के बारे में जान सके और फिर लोगों को इसकी जानकारी दे। यानी कि अगर आप किसी एयरपोर्ट वगैरह में जाएंगे और आपको एयरपोर्ट के अंदर किसी पार्टिकुलर जगह पर जाना है, तो आप गूगल मैप में वो जगह डालेंगे तो गूगल मैप आपको सब कुछ बता देगा। बाकी बची हुई चीजें क्लाउड सोर्स के द्वारा गूगल तक पहुंच जाती हैं। यानी कि हमारे आपके जैसे लोग गूगल को ये खुद बताते हैं कि कौन सी जगह कहां पर क्या हो रहा है, जहां कई सारे लोग खुद से जगहों को ऐड कर देते हैं और फिर गूगल उन्हें वेरीफाई करके उन्हें अपने मैप में शामिल कर देता है। इसी तरह गूगल को ये भी पता चलता है कि कौन सी जगह पर कितनी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सभी के गूगल मैप्स अधिकतर खुले ही रहते हैं, जिसकी वजह से ये समझ आ जाता है कि कहां पर कौन से इंसान कितने समय में कितने ज्यादा देर रहता है। और इसी तरीके से गूगल आपको ये बताता है कि कहां पर कितना ट्रैफिक है। और हाँ दोस्तों, एक और चीज, अगर मान लीजिए कोई नई सड़क बनी है और उसके बारे में गूगल मैप को नहीं पता, तो भी गूगल मैप उसके बारे में पता कर ही लेता है। वो इस तरीके से कि जब इंसान अपना गूगल मैप या फिर अपनी लोकेशन ऑन करता है तो गूगल उसे कैप्चर कर लेता है और यहाँ पर आ जा रहे होते हैं, जिसके बाद वो अपना पूरा सर्च इंजन चलाता है और जब उसे पता चल जाता है कि वाकई में यहाँ रोड बन गई है, तो वो उसे भी गूगल मैप में शामिल कर ही लेता है। तो अब दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि गूगल मैप किस तरह काम करता है। दोस्तों अगर आप अब भी कोई डाउट रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी नई इंटरेस्टिंग फैक्ट आने पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।